यूपी हाईवे होना था चौड़ा, यूं दूसरी जगह शिफ्ट की जा रही मस्जिद। मेरठ मुजफ्फरनगर को चौड़ा करने का काम पिछले कई समय से चल रहा था, लेकिन धार्मिक स्थलों के कारण यह काम अटका हुआ था। शासन ने इस मामले में जब जिला प्रशासन को फटकार लगाई, तब धार्मिक स्थलों को हटाने का काम शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार राज्य में हाईवे चौड़े करने का काम करवा रही है। इसी के तहत मेरठ मुजफ्फरनगर हाईवे को भी चौड़ा किया जाना था, लेकिन रास्ते में बहुत से धार्मिक स्थल इस काम के बीच में रोड़ा बन रहे थे। मेरठ के खड़वाली स्थित शाहे इलाही मस्जिद सबसे बड़ी दिक्कत थी, लेकिन अब इस समस्या का समाधान भी निकल गया है। मस्जिद प्रबंध समिति धार्मिक स्थल को शिफ्ट करने के लिए तैयार हो गई है और समिति द्वारा इस मस्जिद को तोड़ने का काम भी शुरू कर दिया गया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक प्रबंधकों ने स्वयं मस्जिद को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मस्जिद हटने के बाद हाईवे निर्माण के कार्य में तेजी आ जाएगी। प्रबंध समिति ने मंगलवार को मस्जिद के अंदरूनी हिस्से और बाहरी दीवार को तोड़ने का काम शुरू कर दिया। मेरठ मुजफ्फरनगर को चौड़ा करने का काम पिछले कई समय से चल रहा था, लेकिन धार्मिक स्थलों के कारण यह काम अटका हुआ था। शासन ने इस मामले में जब जिला प्रशासन को फटकार लगाई, तब धार्मिक स्थलों को हटाने का काम शुरू किया गया। खंडौली की मस्जिद को हटाने के लिए कई बार प्रशासन की टीम वहां गई भी, लेकिन विरोध के कारण ऐसा नहीं हो पाया, जिसके बाद मुआवजा देने की बात कही गई। प्रशासन ने मस्जिद प्रबंध को 12,80,000 और 600 रुपए का मुआवजा देने की बात कही और तुरंत चेक भी दिया, जिसके बाद प्रबंधक ने इसे हटाने का काम शुरू कर दिया। आपको बता दें कि इससे पहले मुजफ्फरपुर में भी जिला प्रशासन द्वारा मुआवजा दिए जाने के बाद मस्जिद को हटा दिया गया था।